भारत और विदेश के दूसरे भाषा के हॉरर स्टोरीज को हिंदी में सुनने के लिए हमारे चैनल हॉरर संडे को अभी सब्सक्राइब करें। विश्व साहित्य की कुछ अनोखी और रोमांचक कहानियों से सजाई गई हमारी ये अनोखी पहल हॉरर संडे। आज आप सुनने जा रहे हैं ऑथर एच कटनेर की लिखी हुई द ग्रेवियर्ड रैट्स की अनुवाद वहां मत जाना। आजकल चूहे के झुंड को लेकर मिस्टर फैराड की परेशानी बढ़ने लगी है। नियारो की कब्रिस्तान में 7 महीने पहले केयरटेकर की नौकरी लेकर आए थे वो। यहाँ के पहले के केयरटेकर अचानक एक दिन गायब हो जाने से उसको इस काम के लिए चुना गया है और यहाँ आने के पहले दिन से यहाँ के बदनामी चूहा उसकी जिंदगी झंड करके रख दिया है। आकार में बिल्ली के तरह बड़े चूहे यहाँ के लाशों के खून पी के पले बड़े हुए हैं। फैरेट ठीक किया कि इस चूहे की जात को यहाँ से भगाना ही होगा। बहुत सारी कोशिशों के बाद भी कुछ नहीं हुआ। कब्रिस्तान में चूहा रह गया। कभी कभी दफन करने के लिए मिट्टी खोदने के वक्त उन लोगों का सुरंग बाहर आ जाता है। कौन कहेगा वो चूहा के गड्ढा है। फैरेट के 6 फीट के शरीर आराम से वहां से सीने पे चल के गुजर जाएगा। ये नियारो शहर पहले से ही बदनाम है। सुना जाता है यहाँ मौत के बाद भी इंसानों में मौत नहीं आती। यहाँ मिट्टी के नीचे की हर एक स्तर में जैसे और एक जीवन की अस्तित्व है। ऐसे जीवन जो ना जीवित होती है और ना उसकी मौत होती है। 600 साल पहले जब फादर लॉरेट ने ठीक किया कि इस धरती में उसके अलावा सारे धर्म की प्रैक्टिस ब्लैक मैजिक के नाम देकर बदनाम करके विलुप्त करना होगा, तब ये जगह उसके नजरों में आया। रातों रात यहाँ के हर लड़की और औरत को डायन के नाम देकर उन लोगों के ऊपर अत्याचार शुरू हुआ। लोग कहते हैं उन लड़कियों की आत्मा इतनी दर्द सहने के बाद इस मिट्टी के नीचे ही एक जिंदगी जीते हैं, जो ना ही जीवित है ना ही मृत। फैरेट को इन नियारों के चूहा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये जैसे दिखता है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक भी है। कभी कभी तो मिट्टी खोद के जब वो कॉफिन को बाहर लाता है तब वहां कोई लाश ही नहीं रहता। पूरे लाश सुरंग से चूहे के गड्ढे में चला जाता है। लोगों के मौत के बाद उसके फैमिली लाश के साथ उसके कुछ प्यारे सामान भी दे जाते हैं कॉफिन में। कभी कभी वहां डायमंड रिंग से लेकर कहीं ज्यादा कीमती चीज रहते हैं। लाश दफनाने के 2 महीने बाद जब वो लाश की फैमिली उसे उतना देखने नहीं आते तब मिट्टी खोदकर उस कॉफिन को बाहर लाके फैरेट वो सारी कीमती चीज चोरी कर लेता है और ये चूहा उसके काम में बार बार दखल अंदाजे करते हैं। फिर अगर लोग कॉफिन उठाने लगे तो उसे ही जेल जाना पड़ेगा। लेकिन उस बार कुछ हफ्ते पहले एक औरत की लाश आई थी। उसके पति उसके कॉफिन में एक डायमंड के नेकलेस भर दिया था। उसके पति हर रोज आता जाता था, फिर इस सोमवार अचानक से वो नहीं आए। देखते देखते 2 सोमवार बीत गया, फिर ये शनिवार भी बीत गया। रविवार की रात मौसम बहुत खराब है। बारिश और बिजली गिरने के साथ साथ जोर जोर से हवा भी चलने लगा है। इस वेदर में कब्रिस्तान के पास कोई भी नहीं आएगा। इसी खुशी में बारिश में गीली हो गई मिट्टी को बड़े मजे से खोदने लगा फैरेट। आज ही उस डायमंड नेकलेस को बाहर लाने का मौका मिला है। चूहा इस लाश को ले जाने से पहले ही उसे नेकलेस को पाना होगा। वैसे भी लोग कहते हैं चूहा शैतान की प्राणी है। मिट्टी की नीचे की सड़ी हुई दुनिया के साथ इंसानी दुनिया को मिलाने का एक तरीका है वो लोग। और ये चूहे की झुंड हर वक्त कॉफिन के नीचे की हिस्सा तोड़ के आजकल पूरे लाश को लेके गायब हो जा रहा, जैसे कोई नेता के बातों को मान के ऐसे दिमाग लगा के काम कर रहा है वो चूहा। फैरेट तोड़ दिया कॉफिन का डाला। कॉफिन खाली,
कॉफिन के सर के पास जैसे कुछ हिल रहा है। टॉर्च की रोशनी गिरते ही समझ आ गया, चूहे की झुंड बॉडी खींच के ले जा रहा है उस गड्ढे में। मतलब अब अगर चाहे तो वो उस लाश को बचा के डायमंड नेकलेस ले जा सकता है। फेरेट झुके लेने ही जा रहा था, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाया। गुस्से से लाल होके कुछ सोचे बिना लोडेड रिवॉल्वर लेके वो उस गड्ढे में कूद गया। इंसान के लाश जाने के लिए बनाया गया वो गड्ढा बहुत ही बड़ा है। गड्ढे के मुंह बड़े हैं, लेकिन अंदर का जगह उतना भी बड़ा नहीं है। सीने पे चलने लगा। टॉर्च की रोशनी में दूर नीचे की तरफ जाती हुई वो लाश दिख रहा है। वो उसी तरफ बढ़ने लगा। मिट्टी के नीचे की हवा में सड़े हुए लाश की बदबू भरे पड़े है।